नहीं, श्रीनगर से मैं कैमरा ले लूँगा आपसे, मेरे को इसका कुछ सोचना पड़ेगा, यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा यार सही से। आज से पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। नहीं मतलब ये तो हो गई, वो बात हो गई, अंधे से कैमरा चल रहा था। अरे बोलो बोलो, वो कर देंगे, बीप कर देंगे, कोई दिक्कत। चले हर हर महादेव। तो हम फाइनली कह रहे हैं अमृतसर को अलविदा, और आज बढ़ रहे हैं हम श्रीनगर की तरफ। सो फाइनली हमारी एक्चुअल लद्दाख राइड आज से शुरू होगी, क्योंकि आज से हमें पहाड़ दिखना शुरू हो जाएंगे। और हमारे साथ एक और नए दोस्त जुड़ चुके हैं हमारे, पवन जी, तो मज़ा आएगा। तीनों भाई मचाएंगे मिलके धूम, और आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखना अपने हमारे साथ, क्योंकि ये लद्दाख राइड बहुत फन होने वाली है। देखो जी क्या खूबसूरत नजारा है, और एक नंबर रोड्स, मजा आ रहा है चलाने में गाड़ी, मक्खन एकदम। KTM 390 एडवेंचर। और क्या बात है, पंजाब और ट्रैक्टर ना दिखे ऐसा कैसे, बहुत ही सीनिक रूट है ये। और अभी तो पहाड़ आने बाकी है जी, ओ सब चंगा सी। यहाँ पे एक राइनॉक्स का भी बैग होता था, जो मैंने ट्रांसपोर्ट बैग कर दिया अपने घर, क्योंकि मुझे लगा कि शायद यूज़लेस लगेज है और वेट मेरी बाइक का बढ़ जाएगा, ऑफ रोडिंग में प्रॉब्लम होने वाली है आगे जाके। सो या वी हैव रिड्यूस सम वेट, और अभी आराम से यहाँ से निकलेंगे। अभी 9 बज रहे हैं, पठानकोट हमने ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अब टारगेट है नेक्स्ट सीधा उधमपुर में रुकने का, या अगर 80-90 किलोमीटर पहले उधमपुर 80-90 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो एक वाटर ब्रेक लेंगे, या फिर टारगेट तो यही है कि नाउ वी विल बी गोइंग टू उधमपुर। मतलब क्या होता है टू का? रिग्रेट भी नहीं है, गाना नींद आ रही थी मेरे को, नींद आ रही थी बहुत तेज की लगते लगते रुका। अरे यार तेज नींद आई। अरे यार ऐसा कैसा, आपने दो चाय पी थी? हाँ लेकिन इसकी चाय में दम नहीं।
मीठी थी लेकिन टेस्टी थी। लोकेशन भेज दें क्या राजा का कवर करता हुआ, है ना, क्योंकि अब चलते जाएंगे तो बहुत लीड हो जाएगी। ये भी ढाबा ही है, यहाँ भी रुक सकता है। सामान रखा? हाँ। तो हमने डिसाइड किया विल स्टॉप हियर एंड वेट फॉर पवन भाई टू कम विथ हिज नी गार्ड, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर धीरे धीरे आगे बढ़े तो बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे, फिर दैट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो ये अब हम दोनों की बाइक्स खड़ी हैं, मेरी और विशाल भाई की, और मैं आपको एक अपना लगेज सेटअप दिखा देता हूँ जो मैं फाइनली लेके इसको लद्दाख जा रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। वो है ये अपना टैंक बैग है वायटेरा का, इसका मैंने साइज़ बहुत कम कर दिया है, पहले ये 22 लीटर तक फुल था, यहाँ तक आ रहा था, इसको आधा कर दिया मैंने। और ये अपना वायटेरा का क्लॉ टेल बैग है जो कि डेफिनेटली रहेगा ही, क्योंकि ये अपना मेन बैग है, मेन सामान इसी में। और इसके ऊपर एक छोटा सा जिम बैग भी मैंने डाला है जिसपे बेसिकली हमारे कुछ एक्स्ट्रा सामान लाइक लूबिंग किट एंड ऑल, पंक्चर किट, वो सारी चीज़ें, और कुछ कुछ मिसलेनियस आइटम्स हैं। और मैंने राइनॉक्स का जो मेरा सैडल बैग था, सॉरी टेल बैग था, वो मैंने हटा दिया कम्प्लीटली टू रिड्यूस द वेट ऑफ द बाइक। सो नाउ इट लुक्स बेटर, इट लुक्स मोर कॉम्पैक्ट एंड इट्स रेडी फॉर द एडवेंचर। द वादियाँ, ये वादियाँ हैं कश्मीर की और बहुत ही खूबसूरत है, मैजिस्टिक। कैमरा इसकी खूबसूरती बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं कर सकता है, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट विथ योर ओन आइज। महादेव,
रस्सी डाली है ना, आगे पत्थर लगाए हुए हैं, देखो देख लो अगर इनका टहरा जाएगा। और ये ट्रैफिक जैम जिसका हमें डर था वो अब मिलना शुरू हुआ है। और टू व्हीलर का कुछ फ़ायदा तो है डेफिनेटली कि आप गैप्स में से घुसा घुसा के निकाल सकते हो, यू कैन वर्क विद द गैप्स। वही अगर आप कार में हो या फोर व्हीलर में, यहाँ शायद एक्सीडेंट हुआ है आई थिंक, या कुछ तो पंगा है। अंकल जी साइड दे दो मुझे जाने का। दस से बारह मिनट में मुझे लगता है बारिश बंद हो जाएगी, क्योंकि हाई पासेस पे हमेशा मौसम तेज़ी से बदलता रहता है। और दूसरा एक राय मेरी ये थी कि सामने होटल है, अगर अपन उधर जाके देखते हैं थोड़ी भी कम हो जाए ना तो वहाँ चल के खाना खा लेते हैं, इसमें अपना आधा घंटा एक घंटा पास हो जाएगा। बहुत कम हो रहा है ऑलरेडी, ऑलरेडी कम हो रही है बारिश, घटती रहेगी बादल घना। हाँ नहीं हाई पासेस है ना, ये होता रहता है। खाना खाने को मिले अभी कहाँ पासेस आए तो पहाड़ वाली चढ़ाई, मतलब घाट है ना सॉर्ट ऑफ, अभी हाई पासेस वाला पहाड़ नहीं है वो तो ये चिनानी टनल से निकल के हम यहाँ पे फंसे हुए हैं ट्रैफिक में। इस साइड पे आप देख सकते हो पूरी खाई है, सामने में ज़बरदस्त पहाड़ है, वो बादल है, ऊपर में क्लाउड्स हैं आपको अगर दिख रहे हैं तो। और यहाँ पे JCBs लगी हुई हैं, हैवी लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे तो दे आर जस्ट गोइंग टू क्लियर इट। और हम तीन के अलावा और भी बहुत सारे बाइकर्स हैं यहाँ पे हमें मिले, अभी कुछ लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। और हमारे जूते, हमारे जैकेट, सब कुछ अभी कीचड़ में डुबकी मार रहे हैं। सो अब ये सब क्लीन अप जो है बाइक का स्पेशली वो ले जाके ही होने वाला है। साहब क्या ऑफ रोडिंग है यार, पहले ही श्रीनगर पहुंचने से पहले ही खतरनाक रास्ते मिल रहे हैं आज हमें। बट ये तो जस्ट प्रैक्टिस है बिफोर व्हाट वेट्स फॉर अस इन लद्दाख। शाम के 8 और एक जबरदस्त रोड फाइनली हमें मिली है। क्या खतरनाक ऑफ रोडिंग स्ट्रगल आज रहा है हमारा दिन भर का। और आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ हमने कल जब हम अमृतसर पहुंचे थे परसों, तो हमने चार अराउंड आगरा से हम निकले थे अमृतसर यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स हमने
12 घंटे से भी कम समय में कवर कर दिया था। और आज हमें 420-430 किलोमीटर जो कि अमृतसर से श्रीनगर की डिस्टेंस है वो कंप्लीट करने की कोशिश में आज हमें अभी तक 14 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट फिर भी अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया है। अभी भी हम 80 किलोमीटर दूर हैं श्रीनगर से। हे गाइस, सो गुड इवनिंग फ्रॉम श्रीनगर। सो वी हैव फाइनली रीच श्रीनगर और अभी मैं अपने होटल में हूँ। यहाँ काफ़ी ठंडी है टू बी ऑनेस्ट। और बस अब मैं सारे डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और सामान सेट कर रहा हूँ। कल सुबह हमारी एंट्री जो है वो कारगिल एरिया में होगी क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टे इन कारगिल एंड टुमारोज़ डेस्टिनेशन इज़ कारगिल वॉर मेमोरियल। सो या यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 12 to 16 आवर्स लग गए आज, जबकि हम एक्सपेक्ट कम टाइम कर रहे थे। बट क्योंकि इतने सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे थे और ट्रैफिक जाम लगा हुआ था माउंटेन घाट्स पे, तो उस वजह से ये डिले हो गया। बट या नॉनदलेस इट वाज अ फन डे बिकॉज वी डिड अ लॉट ऑफ एडवेंचर ऑन आवर एडवेंचर बाइक। सो नो कंप्लेंट्स देयर। आई सी यू टुमारो। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। सी यू एंड थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे। पीस।